क्या आप जानते हैं महाभारत की द्रुतकीड़ा के दौरान युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत उसी लिया। समय दुशासन द्रौपदी को बालों से खींचते हुए भरी सभा में ले आया। उस सभा में भीष्म पितामह, विदुर और द्रोणाचार्य जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी शामिल थे, लेकिन द्रौपदी के चीरहरण के दौरान ये महान लोग चुपचाप बैठे रहे। दुशासन द्रौपदी के चीरहरण आगे बढ़ा। द्रौपदी समझ गई संकट का समय आ गया। उस समय द्रौपदी ने अपने सखा भगवान कृष्ण को पुकारा, हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम कृष्णा। उद्धव भागवत में उनके और कृष्ण का संवाद है, जिसमें वो कहते हैं पांडव आपको बेहद प्रिय थे, फिर आपने उन्हें ऐसा कृत्य जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं। श्री कृष्ण ने बताया कि दुर्योधन के पास विवेक था इसलिए वो जीत गया, धर्मराज के पास विवेक नहीं था इसलिए वो हार गए। दुर्योधन को जुआ खेलना नहीं आता था, उसने अपने मामा शकुनी का सहयोग लिया। धर्मराज चाहते तो अपने चचेरे भाई के वश वो मुझसे छिप कर खेल रहे थे। वे चाहते थे कि मैं उस सभा कक्ष में तब तक न आऊं जब तक मुझे पुकारा न जाए। वही जब दुशासन द्रौपदी को खींचता हुआ सभा में लाया, तब तक वो अपने सामर्थ्य अनुसार संघर्ष करता रहा। लेकिन जैसे ही द्रौपदी की बुद्धि जगी, उसने मुझे पुकारा और मैं अविलंब पहुंच गया। उद्धव बताओ अब मेरी क्या गलती है। कृष्ण ने कहा कि हर एक का जीवन उसके कर्म फल पर निर्भर करता है और न ही इसमें हस्तक्षेप करता हूँ। मैं बस साक्षी हूँ, यही ईश्वर का धर्म है। अगर तुम वाकई मुझ में विश्वास रखोगे और मान लोगे कि मैं तुम्हारे करीब हूँ तो मुझे अगर हमेशा अपने पास पाओगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।